तो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेके आया हूँ ये है SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड। तो इस कंपनी में ऐसा खास क्या है? इस कंपनी का रिजल्ट आया है और रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। वॉल्यूम भी बहुत ज़बरदस्त ट्रेड हुआ है। 6 सितंबर को वॉल्यूम देखिए 1,27,00,000 इतना वॉल्यूम इसका ट्रेड हुआ है NSE पे और 52 रुपीज़ का इसका प्राइस है। अगर आप इसकी बुक वैल्यू देखेंगे तो बहुत अच्छी बुक वैल्यू है, 52 रुपीज़ का प्राइस है। लेकिन पिछले एक साल में इसमें एक डाउन ट्रेंड देखा गया है और स्टॉक बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरा है। अब इसमें थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोड आ रहा है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो ये कौन से सेक्टर का स्टॉक है? फाइनेंस लीजिंग एंड हायर परचेज का, मीन्स फाइनेंस लीजिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड का। देखिए मल्टीपल जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं इनकी फाइनेंसिंग करता है ये कंपनी। और एक नज़र डालते हैं SREI के, आप मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि किस तरीके से ये देखिए नेट सेल्स कितनी है। 408 करोड़ की नेट सेल हुई है और 440 करोड़ की अभी इसका मैं ये एक स्टैंड अलोन वह कंसोलिडेटेड पे जाता हूँ। देखिए कंसोलिडेटेड अगर आप नेट सेल देखोगे तो 1467 करोड़ की नेट सेल हुई है और मार्च 18 में यही 1393 करोड़ की थी। इस बार देखिए 139 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अगर आप इसका टोटल डेट देखोगे, अभी मैं रिजल्ट को आपको डिटेल में बताता हूँ, डेट देखोगे तो 29,000 करोड़ का डेट है, 35,000 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं। अगर रिजल्ट पर एक नज़र डालें तो ये देखिए आपको क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पर रिजल्ट, ये आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए जून से जून का रिजल्ट है, तो उसमें 114% का जंप देखने को मिला है। 65 करोड़ से 140 करोड़ पर पहुंच गया कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, बहुत बढ़िया। नेट सेल 1200 करोड़ से 1450 करोड़ पहुंच गई, 20% जंप नेट सेल में भी। नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा 114%, मीन डबल से भी ऊपर हुआ नेट प्रॉफिट। अगर क्वार्टर बेसिस पर आप रिजल्ट देखें तो देखिए 116 करोड़ से 140 करोड़ पहुंचा, यानी कि 20% यहां पे भी क्वार्टरली प्रॉफिट में 20% का जंप हुआ, बहुत अच्छी बात है। नेट सेल में भी अच्छा जंप हुआ। तो ये इसका रिजल्ट है SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड का रिजल्ट है। डिविडेंड टाइम टू टाइम पे करता रहता है। देखिए 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 का डिविडेंड पे किया है इसने टाइम टू टाइम। अगर ग्राफ पे एक नज़र डालो, जैसा मैंने आपको बताया था पिछले एक साल में देखिए जुलाई से लेकर अब तक बहुत ज़बरदस्त गिरावट का सामना करना पड़ा। अगर टेक्निकली देखें तो देखिए एक बार ये स्टॉक देखिए पहले 20 रुपये से बढ़ के इस लेवल तक चला गया था 136 तक, लेकिन उसके बाद पिछले अगस्त सितंबर के बाद इसमें ज़बरदस्त गिरावट का सामना करना पड़ा। और अब रिजल्ट जो बेहतरीन आया है इससे एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिख रहा है स्टॉक में। अगर हम इसका डाउन ट्रेंड देखें कि क्या इसके बुरे दिन खत्म हो गए हैं, इस तरीके से देखिए आप इसका डाउन ट्रेंड देखिए, प्रॉपर आप लाइन इसको ड्रॉ कर सकते हो डाउन ट्रेंड के लिए। देखिए ये जब इस लाइन को क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली इसमें भी एक उछाल आने की उम्मीद है। अगर आप डाउन ट्रेंड की ये लाइन ड्रॉ करें पैरेलल वाली तो ये देखिए, तो इस तरीके से इस स्टॉक में, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस बना के चलना है। जो मुझे स्टॉप लॉस दिख रहा है वो इस रेंज में दिख रहा है, 40 से 42 की रेंज में ये स्टॉप लॉस मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अगर आप बाइंग करते हो, अच्छा रिजल्ट है ये सोच के बाइंग करते हो, तो क्योंकि रिजल्ट वाला जो वह कुछ ही टाइम तक रहता है, अगर यहाँ पर अगर आप बाइंग करते हो तो 40 रुपये का स्टॉप लॉस बना के चलना, और नेक्स्ट लेवल का जो स्टॉप लॉस है वो 30 रुपये पर बना के चलना है आपको, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा लॉस नहीं लेना है, इस लेवल पे स्टॉप लॉस बना के चलना है। देखिए अगर इसके रेजिस्टेंस लेवल देखें तो इस लेवल पे भी ये यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये इसको पार कर देगा ना अगर ये 52-53 को, तो यहाँ से आप इसमें अच्छा खासा ये जंप आने की उम्मीद है। और अगर आप टारगेट्स लेके चल रहे हो तो देखिए 80 रुपये के अराउंड का टारगेट ले सकते हो, अगला टारगेट इस रेंज पर ले सकते हो, तो ऐसे आप मल्टीपल टारगेट्स ले सकते हो इसमें रेंज में। और अगर हम थोड़ा सा इसका बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में ये शेयर अभी पड़ा हुआ है, ROCE इसका 10% का है, ROE 7% का। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मीन सस्ता है अपने असली कीमत से। जैसे मैं आपको इसकी बुक वैल्यू बताऊँ अगर, तो देखिए इस स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो ये देखिए कितनी इसकी बुक वैल्यू रही है। ये अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन 2600 करोड़ का है, 8 से 9 रुपये का अर्निंग पर शेयर है जो कि बहुत अच्छा है। और अगर आप बुक वैल्यू देखें तो 104 रुपये की इसकी बुक वैल्यू है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है, तो बहुत बेहतरीन है। अगर पी रेशियो देखें तो 5.84 का है, जिससे ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है स्टॉक। इंडस्ट्री पी 40 का, वहाँ पर इसका 5.84 का है और बहुत अट्रैक्टिव इसीलिए लग रहा है, बुक वैल्यू डबल से भी ऊपर बुक वैल्यू है इस स्टॉक की। और एक नज़र डालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, देखिए शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स का 60% का शेयर होल्डिंग है और FII 12.17% का, 83 FIIs ने इन्वेस्ट कर रखा है, म्यूचुअल फंड 48 म्यूचुअल फंड ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, और जो हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है वो फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, फिडेलिटी सीरीज, और 6.83% का उनका इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप प्रमोटर्स विद हाईएस्ट होल्डिंग देखें तो एजिस्ट्री कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड है, 60.36% का उनका होल्डिंग है। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, वीडियो अच्छा लगा, एक छोटा सा स्टॉक है और बहुत अच्छी बुक वैल्यू है, बहुत अच्छा इसका एक ओवरऑल पैटर्न दिख रहा है। डाउन टर्न था
कुछ टाइम से, लेकिन अब थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट आया है, तो उम्मीद है कि आगे बढ़ेगा ये। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अब तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।